दोस्तों नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप मुझे देख रहे हैं अन अकेडमी पर। अगर आप कर रहे हैं एनआईएस से डीएलएड या किसी भी टीईटी एग्जाम की तैयारी, तब तो आप मुझे इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अन अकेडमी पर भी फॉलो कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया हुआ है। अन अकेडमी लर्निंग ऐप को आप अपने ऐप स्टोर या प्ले स्टोर से जरूर डाउनलोड कर लीजिए। दोस्तों, ये नोटिफिकेशन जो आज हम यहाँ पर आपको बताने वाले हैं, एक बहुत ही बड़ी वैकेंसी को लेकर है, जो कि नवोदय विद्यालय समिति के लिए यहाँ पर पूरे भारत में ये वैकेंसी आई है और जो कि यहाँ पर अलग अलग पदों पे आई है। मूलतः हम आपको यहाँ पर दिखाने वाले हैं, टोटल 4 पोस्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं। प्रिंसिपल के पद पे आई है, असिस्टेंट कमिश्नर के पद पे आई है, असिस्टेंट के पद पे आई है और कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पे आई है। इसकी यहाँ पर अलग अलग जगहों पर नोटिस भी निकल चुकी है एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ के अलावा। तो अगर हम इसके पीजीटी जो मेनली यहाँ पर भर्ती है उसको लेकर बताएं, तो बेसिक सैलरी इसकी जो है यहाँ पर 47,600 से लेके 1,51,100 तक है। और अगर आप देखिए किस दिन से ये आप अप्लाई कर सकते हैं, तो ये वैकेंसी आपकी 15 जनवरी 2019 से शुरू हो जाएगी और 14 फरवरी 2019 तक ये फॉर्म आप भर पाएंगे। आप देख सकते हैं कि बेहतर सैलरी की सुविधा है, ये फुल टाइम जॉब है, कोई कॉन्ट्रैक्ट या गेस्ट टीचर की जॉब नहीं है। आयु सीमा 40 वर्ष है और क्वालिफिकेशन की बात अगर करें तो यहाँ पर संबंधित विषय में स्नातकोत्तर यानी कि पीजीटी शिक्षक होने चाहिए, साथ में जो कि 50% अंकों के साथ होने चाहिए, साथ ही साथ बीएड या समकक्ष डिग्री निर्धारित की गई है। तो जो भी बीएड के साथ पीजीटी है कम से कम 50% से, तो वो इसके लिए अप्लीकेबल होंगे। और कक्षा 6 से 12वीं तक के छात्रों के विभिन्न विषयों की जानकारी होनी चाहिए। तो जिस भी पर्टिकुलर विषय में आप अप्लाई करेंगे उस विषय से संबंधित आपको यहाँ पर 50% मार्क्स होना चाहिए। और यहाँ पर अगर आप देखिए तो ये भर्तियां यहाँ पर काफ़ी बेहतर तरीके से, यहाँ पर 218 पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए ये आवेदन निकाले गए हैं। और फीस अगर आप देखिए तो ₹1,000 है। एससी एसटी पीएच और महिला उम्मीदवारों के लिए कोई शुल्क नहीं है। ऑनलाइन या चालान के माध्यम से आप अपनी फीस को जमा कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन जमा करने की तिथि 15 जनवरी 2019 है और ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 14 फरवरी 2019 है। शुल्क का भुगतान करने की अंतिम तिथि 15 फरवरी 2019 है और लिखित परीक्षा की तिथि अगर आप देखिए तो मार्च 2019 के अंतिम सप्ताह में होने की बात की जा रही है। आवेदन की जहां तक बात है तो आप navoday.gov.in या nvsrect2019.org के माध्यम से 15 जनवरी 2019 से 14 फरवरी 2019 के बीच आवेदन कर सकते हैं। पूरे भारत में इसकी यहां पर जो है के लिए वैकेंसी है और इसका जो चयन प्रक्रिया होगा वो लिखित परीक्षा और साक्षात्कार पर आधारित होगा। तो ये बेसिकली समराइज डिस्कशन हमने आपको दिखा दिया और एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में इसकी पूरी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको दी हुई है, जिसमें कि बेसिकली पीजीटी के अलावा अलग अलग पोस्ट पर भी जानकारी है। और आपको अभी 15 तारीख से फुल यहां पर आप अप्लाई करने की नोटिस आ जाएगी। उसके बाद आपको यहां पर अगर आप देखिए तो अलग अलग विषय के लिए जिसके लिए भी आप अप्लाई कर रहे हैं, चाहे वो हिंदी है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स है, इकोनॉमिक्स है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, तो इन सब चीज़ों के लिए अगर आप देखिए तो वैकेंसीज है। उसके साथ साथ कॉमर्स, बायोलॉजी, आईटी इत्यादि के लिए भी वैकेंसीज है। तो ये अलग अलग प्रकार से आपको पूरी नोटिस यहाँ पर जारी कर दी गई है और जल्द से जल्द यहाँ पर आपको 15 जनवरी से ये अप्लाई करना शुरू भी हो जाएगा। तो काफ़ी बेहतर मौका है। जैसे ही फॉर्म आता है आप लोग नवोदय की वेबसाइट पर जाइए, ये है नवोदय का ऑफिशियल वेबसाइट navoday.gov.in, इसकी वेबसाइट पर जाइए और यहाँ पर जैसे ही अप्लाई करने की नोटिफिकेशन आती है अच्छे तरीके से उसे देखिए और अप्लाई करिए और अपना कैरियर बनाइए। काफ़ी बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है, नवोदय विद्यालय को आप भी बेहतर समझते हैं। तो ये था दोस्तों हमारा एक और इम्पोर्टेंट वीडियो। आगे के लगातार अपडेट्स और ट्यूटोरियल के साथ हम आपके बीच आते रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। बाय बाय। जय हिंद।